अयोध्या राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराने पर कांग्रेसी आलाकमान अब अपने ही नेताओं के निशाने पर आ रहे हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने कहा कि अब कांग्रेस को आगामी लोकसभा चुनाव में परिणाम भुगतने होंगे। जो लोग राम मंदिर आंदोलन में लड़े वे स्पष्ट रूप से प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में निर्णय लेंगे। उन्होंने निर्णय ले लिया है कि जहां तक निमंत्रण का सवाल है इसे अस्वीकार करने का क्या मतलब है। मध्य प्रदेश में सोलर बिजली पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाने की तैयारी है। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा सोलर प्लांट में नए शुल्क निर्धारण के लिए पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रस्ताव पर आपत्तिकर्ता एडवोकेट राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि सोलर प्लांट से पैदा होने वाली बिजली पर विभिन्न शुल्क लगाए जा रहे हैं। राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि इससे प्रति यूनिट सोलर ऊर्जा 8.90 रुपए की हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार सपा ने कांग्रेस से कहा कि पहले आप कौन कौन सी सीट जीत सकते हैं और कौन सी सीट आप लड़ना चाहते हैं उसकी लिस्ट दीजिए। इस कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि यूपी में कांग्रेस को 25 सीटें चाहिए। सपा ने इसके जवाब में कहा कि गठबंधन में सभी वही सीटें लड़े जो जीत सकते हैं। गठबंधन में आपसी झगड़ों को दूर रख हकीकत के साथ लड़ना चाहिए। कांग्रेस ने अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में आने से मना कर दिया। अब इस पर उसे अपने ही नेताओं की नाराजगी झेलने पड़ रही है। कांग्रेस की यूपी इकाई के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राम मंदिर का न्योता ठुकराने की सलाह देने वालों को बेताल और राक्षस तक कह दिया। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस के कुछ बेताल हैं जो कंधे पर बैठ कर गलत फैसले करा देते हैं। उत्तराखंड में कोविड के नए वेरिएंट JN1 का पहला मरीज मिला है। 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला में JN1 की पुष्टि हुई है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अभी से अलर्ट हो गया। 3 से 4 जनवरी को 2 मरीज कोविड संक्रमण के लक्षण पाए गए थे। स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा था जिसमें से एक मरीज को आज नए वेरियंट की पुष्टि हुई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे के आनंद आश्रम में श्रद्धेय गुरु धर्मवीर आनंद दिघे साहब को सम्मान देते हुए आभार व्यक्त किया। सीएम शिंदे ने सोशल मीडिया पर कहा कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दिए गए फैसले के बाद शिवसेना के 16 विधायक पात्र हो गए हैं और इस बात पर मोहर लग गई है कि शिवसेना पार्टी भी हमारी है। इस निर्णय के बाद आज मैं ठाणे के तोम्बी नाका स्थित आनंद आश्रम गया और पूज्य गुरु धर्मवीर आनंद दिघे साहब की छवि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। छत्तीसगढ़ सरकार ने अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में 22 जनवरी को राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों में छुट्टी देने का फैसला किया है। राज्य के धार्मिक न्याय और धर्मस्व और पर्यटन और संस्कृति मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय और गैर शासकीय स्कूल कॉलेज में अवकाश की घोषणा की है। दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी कंपनियों में शुमार गूगल के कर्मचारी एक बार फिर वर्ल्ड वाइड छटनी की चपेट में आ गए हैं। पिछले साल की शुरुआत में भी कंपनी ने लगभग 12,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया था। आखिरकार वो खबर आ गई जिसका डर था। गूगल ने ऐलान कर दिया है कि उसकी कई टीमों में से सैकड़ों एम्प्लॉयज की छटनी की जा रही है। साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बायोपिक पर पीएम नरेंद्र मोदी में एक नहीं बल्कि 3 प्रोड्यूसर्स ने अपने पैसे लगाए थे। ऐसे में अब इससे जुड़ी एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल फिल्म के एक प्रोड्यूसर आचार्य मनीष ने दूसरे प्रोड्यूसर आनंद पंडित और संदीप सिंह पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। महिला प्रीमियर लीग का पहला सीजन यानी WPL 2023 मुंबई की मेजबानी में खेला गया था। टूर्नामेंट के सभी 22 मुकाबले मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम और नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी में खेले गए। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स में मिली जानकारी के मुताबिक टूर्नामेंट का दूसरा सीजन बेंगलोर और दिल्ली की मेजबानी में खेला जाएगा।